गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 6। आज दिन है 16 अगस्त, मंडे का दिन है और अभी हम हैं राजदरी रिजॉर्ट में। तो रात में हम लोग यहाँ पर आए थे और यहीं पे हमने स्टे किया। रात में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वैसे भी अंधेरा था तो कुछ आपको समझ भी नहीं आता। बाकी ये जो जगह है, ये जगह आती है ज़िला चंदौली में और इस जगह का नाम है जमसोती। उत्तर प्रदेश का एक रूरल एरिया है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको विलेजेस ही मिलेंगे सारे और एक बड़ी सी पहाड़ी चढ़कर हम आए हैं यहाँ पर। वहाँ पर ये फार्म हाउस बना हुआ है। इस रिज़ॉर्ट के बारे में हमें इंटरनेट से पता चला, कुछ पिक्चर्स हमने देखे थे, पिक्चर्स अच्छे लगे। हालांकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो लोकल्स ने ऐसा बोला कि यहाँ पर आगे शायद आपको रहने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी डाउट है, क्योंकि यहाँ पर लोकल्स को शायद बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि 10-15 किलोमीटर में आगे क्या चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। रिजॉर्ट हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं, इंटरनेट पर कुछ पिक्चर्स हमें दिखे थे तो हमने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं। और यहाँ पर आए तो अच्छा खासा रिजॉर्ट हमें दिख गया। रहने की जगह बहुत अच्छी है, आप देख ही रहे हो। डिसेंट से इस तरह की कॉटेजेस बनी हुई हैं लकड़ी की, यहाँ पर आप रह सकते हो। बहुत ही वाइब्रेंट एकदम लुक है यहाँ का। ग्रीनरी है चारों तरफ, सामने खेत भी हैं, उधर घोड़े खड़े हुए हैं और काफ़ी बड़े एरिया में ये जगह बनी हुई है। नेचर के बीच में आप और इतनी ऊंचाई पे, तो रात में यहाँ पर ऐसा मच्छरों का भी कोई सीन नहीं है। देखो शांति से सुनो तो अभी भी सिर्फ झींगुरों की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का, बहुत ही शांति है। पर्सनली मैं विंटर्स ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के सीज़न में आएंगे तो बहुत अच्छा सीज़न होता है, क्योंकि ठंड होती है, अच्छा क्लाइमेट होगा और अच्छा खासा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। कल हम लखनिया दरी गए थे वाटरफॉल देखने और अभी हमारा प्लान है यहाँ से रेडी होकर हम जाएंगे राजदरी वाटरफॉल देखने। चंद्रप्रभा वाटरफॉल या डैम कुछ है वहाँ पर, वो भी देखने जाएंगे। तो एग्जैक्ट वो जगह लोकेशन आपको बताएंगे यहाँ से निकलने के बाद। अर्चित भी उठ ही गया है। मेरे सबसे सही सीन वो झूले हैं। हाँ, वो पेड़ों पे झूले वगैरह भी लटकाए हुए हैं, सावन के झूले जो होते हैं ना। बाकी ये वाला रूम है जो हमने लिया हुआ था, 104 नंबर की कॉटेज, 104 और एक वो 102। तो ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है इस जगह का। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड बाकी बातें रास्ते में। चलो सो अभी सब तैयार हो चुके हैं और मैं आपको तब तक रूम दिखा देता हूँ जहाँ पर हम रुके हुए थे। ऐसा कुछ रूम है ये, पूरा जो बाम्बू की स्टिक्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उससे ये कमरा बनाया गया है। अंदर का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। बाकी अगर टैरिफ की बात करें तो इन कॉटेजेस का जो टैरिफ है वो है 1500 रुपये एक रात का। डबल ऑक्यूपेंसी का रूम है तो दो लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। पीछे ये कूलर भी लगा हुआ है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। ऐसा कुछ ओवरऑल वॉशरूम भी है, मतलब स्पेस है यहाँ पर भी और साफ़ सुथरा भी है। और रूम तो आपने देख ही लिया, बिल्कुल गांव वाले जो घर होते हैं वैसा कुछ नज़ारा है। बाकी अगर कुछ खाना पीना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर आपको करना है तो सामने वो किचन है। तो अभी सारे लोग रेडी हो चुके हैं, अभी यहाँ से चलते हैं, कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी अगर अच्छा मिल गया ऑप्शन तो खा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं राजदरी वाटरफॉल। अभी हमने कॉफ़ी मंगाई है, कॉफ़ी ओके ओके ठीक है, अच्छी है, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है क्योंकि भाई लोग मीठा पीते हैं, हम थोड़ा कम मीठा पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी अच्छी है। अभी हमने आलू प्याज के पराठे मंगाए, वो खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। पराठे बहुत अच्छे हैं, अचार के साथ खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और फटाफट अभी खाना खा लेते हैं, जो भी हमारा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम जाएंगे राजदरी, राजदरी वाटरफॉल देखने जाएंगे। ये है राजदरी देवदरी जल प्रपात। कैमरे सारे जल प्रपात, तो वो फॉल हो गया ना। हाँ, वाटरफॉल। तो ये अपना रास्ता है राजदरी देवदरी का। एंट्री कुछ ऐसी है, चंद्रप्रभा वन जीव विहार। वहाँ पे प्रशांत भैया अपनी बात कर रहे हैं कि अंदर हम लोग शूट कर सकते नहीं। प्रवेश का समय है 8 बजे और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में कभी भी प्रवेश रोका जा सकता है।
ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, राजदरी। यहाँ पर दो वाटरफॉल है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत सारे जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं ऐसा बोल रहे हैं। अभी गर्मी में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे पता नहीं। और अंदर बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, पूरा फॉरेस्ट है। 550 रुपये की हमने एक स्लिप ली है जिसमें गाड़ी का चार्ज है 100 रुपये, 50 रुपये हर एक आदमी का टिकट है पर पर्सन 50 रुपये, और इसके अलावा 200 रुपये हमने कैमरे के चार्ज दिया हुआ है, कैमरे की फ़ीस दी हुई है। तो इसको लेकर अब हम अंदर जाकर शूट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये पता था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटरफॉल है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो प्रॉपर यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था और यहाँ के हमें पता चला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड आई एम श्योर अंदर बहुत कुछ होगा देखने के लिए। आई मीन लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, जंगल के बीच से होता हुआ रास्ता जा रहा है, गेट बड़ा प्यारा है। तो अभी यहाँ पर जहाँ पर हम अंदर आ गए, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है देवदरी वाटरफॉल के लिए और एक जाता है राजदरी वाटरफॉल के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं राजदरी वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पर जगह जगह पर आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे, नदी में स्नान करना प्रतिबंधित है, मतलब बैन है, और अगर कोई गलती से भी पकड़ा जाएगा तो 1000 रुपये का फाइन पड़ेगा उसको, क्योंकि आसपास सारे डैम है, कब पानी छोड़ा जाता है तो पानी का जो लेवल है एकदम से ऊपर हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वार्निंग्स लिखी हुई हैं हर जगह। वो देखो पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी बिल्कुल वाटरफॉल के सामने आ गए हम, और पानी की आवाज़ बहुत तेज़ है यहाँ पर भी, क्योंकि वाटरफॉल बिल्कुल पास में ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, क्योंकि ये स्टेयर्स के डिज़ाइन में बना हुआ है, मतलब जो पैटर्न है इसका वो स्टेयर्स की तरह है। तो जब पानी इस पर गिर रहा है ना तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इससे पहले जो मैं वाटरफॉल गया था ऐसे ही कुछ वाटरफॉल देखा था मैंने मेघालय में, जब मैं मेघालय में शिलोंग गया था वहाँ पर एक एलिफेंटा वाटरफॉल था, वो भी बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ था। वहाँ पर भी पानी जब गिर रहा था ऐसी तरह सीढ़ियों की तरह बना हुआ था, तो उस पर पानी जब गिरता हुआ दिख रहा था तो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और अभी यहाँ पर मानसून का टाइम है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वाटरफॉल में, तो बहुत तेज़ है करंट पानी का, बहुत तेज़ी से गिर रहा है वाटरफॉल से पानी, और पास में जाना तो बिल्कुल भी मना है। और यहाँ से जितना भी पानी निकल कर नदी में जा रहा है उस नदी में नहाना तो बिल्कुल भी मना है। और ये वाले वाटरफॉल में एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पर किनारे किनारे पर पूरी फेंसिंग की गई है, कहीं ना कहीं अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं इस वाटरफॉल को देखने के लिए, यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए, लेकिन इस रेलिंग के होने से किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना या फिर किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी होने के चांसेस नहीं है। बाकी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे, कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर करेंगे, यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं देवदरी वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि यहाँ से बहुत ही पास में है। ये राजदरी है और वो देवदरी, दोनों बिल्कुल आसपास हैं। और पिछले 2 दिन से हम इतना वाटरफॉल घूम रहे हैं ना, तो स्किन तो देख रहे हो कैसी टैन हो चुकी है, हालत ख़राब हो गया। आई थिंक पूरी स्किन को रिपेयर करने में फिर से 1 हफ्ता लगने वाला है। बट एनीवेज ये तो ट्रैवलिंग का एक पार्ट है, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो आप लोग नज़ारे लो और मैं मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में, स्टे ट्यून। तो बेसिकली ये वाला जो वाटरफॉल है, जो अभी हम राजदरी वाला वाटरफॉल देख कर आए हैं, उसी के आगे का हिस्सा है। लेकिन यहाँ की जो USP है, यहाँ की जो ब्यूटी है, वो ये देखने लायक है कि दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच से ये नदी जा रही है। जो पत्थरों का पैटर्न है, जिस तरह से कटे हुए पत्थर हैं, ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए क्या है उधर है वाटरफॉल। हालांकि ये वाला वाटरफॉल इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है, थोड़ा सा और सही होता ना, तो ऐसे में लोग काइकिंग करके जाते हैं। यहाँ रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डैम है और डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। जिस समय पानी छोड़ा जाता है उस समय नदी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है, तो इस वजह से किसी भी तरह का कोई वाटर स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी करना यहाँ पर सख्त मना है। आप तैर भी नहीं सकते, यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वार्निंग्स लिखी हुई हैं। अगर लखनिया से कंपेयर करें तो लखनिया वाटरफॉल में मुझे लगा सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर से लोग देख रहे थे ना, तो वो ज़्यादा देखने में बहुत ही ज़्यादा वैसा लग रहा था, डिफिकल्ट था, वहाँ से कोई भी गिर सकता है। और लोग भी बोल रहे थे वहाँ बहुत सारे लोग गिरते हैं, उनकी मौतें होती हैं। लेकिन ये वाले वाटरफॉल में जहाँ भी हम देख कर आएँ, वहाँ पर चारों तरफ फेंस लगाई हुई है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर आपकी फैमिली वगैरह के साथ भी आप आराम से आ सकते हो और अच्छे सीनिक व्यू को एंजॉय कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको 2 व्यू पॉइंट मिलेंगे, एक तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से कुछ अच्छे व्यूज़ आपने देखे, और एक ये छोटा सा मचान ऐसा बना रखा है
व्यू पॉइंट के लिए है ये भी। यहाँ से आप चढ़कर ऊपर से व्यू देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है पूरी वैली का और उस वाटरफॉल का। तो चलकर वो भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, वाओ। इस व्यू पॉइंट से पूरा वाटरफॉल दिख रहा है, नीचे रिवर भी दिख रही है और रिवर जहाँ पर आगे जा रही है पहाड़ों के बीच से, वो पूरा व्यू यहाँ से देखा जा सकता है। बाकी एरियल शॉट हम कैप्चर कर रहे हैं, वो भी शॉट्स आप देखोगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो ये मोमेंट था जिसके लिए अपन इंतजार कर रहे थे, एकदम अलग सा व्यू है। मतलब लिटरली आओ, चाहे जैसे आओ जब आओ आओ और एक बार ये व्यू देख के जाओ, और फिर ये ना बोलना कि यूपी में नेचुरल ब्यूटी नहीं है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि यूपी में अगर आप आते हैं तो अगर टूरिज्म की बात आती है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए सिर्फ मंदिर मिलेंगे, रिलीजन से जुड़ी हुई टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगी, पुराने पुराने मंदिर जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर सीनिक ब्यूटी की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सीनिक ब्यूटी के लिए आप हिमाचल जाओ या फिर एमपी की तरफ जाओ, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपकी वो गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, यहाँ के जो नज़ारे हैं, वो इतने लाजवाब हैं, इतने खूबसूरत हैं, जिसे आप देखकर वाकई में हैरान रह जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ये सारी जो जगह थी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है और ज़्यादातर जो लोकल लोग होते हैं ना यहाँ के, वही यहाँ तक आ पाते हैं, देख पाते हैं। अच्छा लगा मुझे कि ये सारी ब्यूटी यूपी में भी अपने आती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए। आने का सीज़न जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय आते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो अगर आप विंटर में आएंगे तो आई एम डैम श्योर ये जगह आपको बहुत खूबसूरत लगेगी और यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होगा बहुत लाजवाब होने वाला है। हो गया ड्रोन तुम्हारा? हाँ, वो रख रहे हैं। रंचू शॉट हो गया ना, लैंड करो। चलो, तो अभी 4 बज रहे हैं और हम देवदरी राजदरी वाटरफॉल देखने के बाद अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। अभी हम हाईवे के पास ही खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट लेने का मन हुआ क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन है, दोनों तरफ ये ग्रीन फील्ड दिख रही है, तो हमने कहा चलो जाते जाते कुछ अच्छे और शॉट कैप्चर करके आपको दिखा दें इस ब्यूटीफुल जगह के। बाकी अर्चित ने बोला था कि कानपुर अगर आए हो तो एक बार चलो साथ में ट्रिप करते हैं, बहुत समय से प्लान कर रहे थे हम लोग और इसी वजह से मैं आ भी गया, हालांकि इस तरफ आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ना ही मुझे पता था इस जगह के बारे में। तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जगह से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और ये बाकी हमारे भाई लोग, इनसे भी मिली लो, सारे के सारे टैलेंटेड बंदे। ये उड़न छू, इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो आईडी मैं दे दूंगा, चाहो तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो। अर्चित का चैनल है खिसका बंदा, उसको भी जाकर आप फॉलो करो, कॉन्टेंट अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये है इनकी टीम के एडिटर सौरभ, ठीक है, देखो रेड चश्मा लगा के दाऊद इब्राहिम बन के आ गए, गले में चेन पहन के। हेलो, मेरा ये सार्थक। तो इन्होंने जितने भी कैमरे के अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल शॉट देखे ना आपने, ये इन्होंने कैप्चर करे। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा, ये जो ट्रिप हमने करी है अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर किया है यूपी में आके, ये कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाना, अगर कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो ज़रा सपोर्ट करो और बाकी भाई लोग को भी सपोर्ट करो। एंड कुछ बोलना है? हाँ, अगर और कोलैब देखने हैं हम दोनों के साथ में तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर था, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया हम लोगों को तो फिर अलग लेवल कंटेंट आने वाला है। तो जाओ इनके चैनल पर सपोर्ट करो। एंड इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।